हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि टर्बो सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ का यूज़ क्या है, और प्रिंट एफ के सिंटेक्स में मैंने दो चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले तो हम एक मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैसेज कैसे प्रिंट कराना है प्रिंट एफ के थ्रू ये बता दिया। तो चलिए अब आगे मैं आपको बता दूँ कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टर्बो सी प्लस प्लस को खोल लेना होगा। टर्बो सी प्लस प्लस आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको जाना है स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे। ये जो कोड है मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था कि इस कोड को अगर हम रन कराते हैं तो हमें जो भी चीज़ें हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखी हैं वो चीज़ें मिलती हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया जा सकता है। तो उसके लिए आप चाहें तो एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे फाइल के अंदर। फाइल में जाने के बाद में आप इसे पहले फुल स्क्रीन का कर लीजिए। उसके बाद में आपको सिंटेक्स दोबारा से लिखना होगा। सिंटेक्स आप बार बार लिखिए ताकि आपको याद हो जाए, और ये सिंटेक्स अभी चेंज नहीं होगा तो इसलिए इसे याद कर लेना। उसके बाद में हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद में मैंने कहा था कि एक वॉइड मेन का फंक्शन बनेगा, और मेन का जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर ही हमारी सारी कोडिंग्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वेरिएबल डिसाइड करने हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जस्ट लाइक कंटेनर होते हैं जो किसी वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दौरान यदि कोई वेरिएबल आपको स्टोर सॉरी कोई वैल्यू अगर आपको स्टोर करके रखनी है तो उसके लिए आपको वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। वेरिएबल कई टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर इंट लिखना है और कुछ वेरिएबल मान लेने हैं, जैसे कि ए मान लेना है, और जिसकी वैल्यू यहीं असाइन हम कर देते हैं 50। कॉमा लेना है, कॉमा से आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बी लेना है, और बी की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं हम 40। उसके बाद में आपको यहाँ पर सी लेना है और इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं 0। ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ पर सी एल आर एस सी आर फंक्शन लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि स्क्रीन हमारा क्लियर हो जाएगा। और अब यहाँ पर लिखते हैं हम प्रिंट एफ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिख दीजिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इजिकल टू। देखो ये जो लिखा है मैंने ना, ये मैसेज हुआ, और मैसेज के साथ हमें वैल्यू को कैसे प्रिंट करना है। तो ए चूंकि इंटीजर डेटा टाइप है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट कंट्रोल कॉन्स्टेंट यूज किया जाता है वो परसेंट डी। अगर किसी इंटीजर को जो है किसी इंटीजर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो परसेंट डी सिंबल वहां पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैसेज में द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ए, ए नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है परसेंट डी। परसेंट डी किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉमा देकर इन्वर्ट कॉमा बंद करने के बाद कॉमा देकर उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझिए पूरा मैसेज आएगा आपको द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज इक्वल टू, और परसेंट डी की जगह पर ये जो ए नाम का वेरिएबल हमने यहाँ शो कराया ना उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 50 आ जाएगी। और लास्ट में आपको क्या करना है कि लाइन को चेंज करने ला है। लाइन को कैसे चेंज करेंगे, बैक स्लैश एन दबाएंगे और लाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक लाइन। अगर हम दूसरे लाइन की बात करें प्रिंट एफ, और सेम चीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इज इक्वल टू परसेंट बी और लाइन चेंज। ये जो परसेंट डी है, ये जो परसेंट डी है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बी देंगे। ठीक है, तो ए और बी दोनों की वैल्यू दिखा देगा। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर से एक बार प्रिंट एफ लिखते हैं और इसमें लिखते हैं द सम बोथ वेरिएबल ठीक है, द सम ऑफ बोथ वेरिएबल इज इक्वल टू परसेंट डी, लाइन चेंज। ओके, तो ये क्या करेगा,
ये दोनों वेरिएबल के वैल्यू को जोड़ के दिखा देगा। तो चलो मान लो कि यहाँ पे मैंने सी दे दिया, बट सी वेरिएबल के अंदर दोनों का योग तो है नहीं, सी के अंदर तो जीरो है। ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि इसका पहले क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहले हम यहाँ सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया सेकेंड डॉट सी, उसका नाम फर्स्ट रखा था, इसका सेकेंड रख दिया, तो सेकेंड डॉट सी इसका नाम रख दिया। अब अगर हम इसको पहले कंपाइल कराते हैं तो कंपाइल में हमें क्या मिलेगा, जीरो एरर, यानी कि कोई भी गलती नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप उसे सुधार लेना। उसके बाद में हम इसको रन करते हैं, रन करते के समय आप देखो कि यहाँ पे डेटा प्रिंट तो हुआ लेकिन भाग गया, क्योंकि हमने लास्ट में गेट सी एच का प्रयोग नहीं किया है। तो गेट सी एच लगा के और अब हम इसको रन कराते हैं, तो रन कराने के बाद में हमें क्या मिल रहा है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इक्वल टू 50, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इज इक्वल टू 40 एंड द सम ऑफ बोथ वेरिएबल्स जीरो। तो ये जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि सी में हमने इनको जोड़ के रखा ही नहीं है। ठीक है, तो इसको जोड़ के अगर सी में रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए आपको यहीं पर यहाँ जहाँ आपने वेरिएबल में जीरो असाइन किया वहां पर, या फिर इज इक्वल टू जीरो यहाँ रहने दो, उसके एक लाइन नीचे सी एल आर एस सी आर के बाद आप लिख दो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो एक सिंपल कैलकुलेशन आपने यहाँ पे लिख दिया कि सी में क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों की वैल्यू जोड़कर आनी चाहिए, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए रन पे गए, यहाँ पे रन क्लिक किया। अब देखो पहला जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इक्वल टू 50, फिर बी की जो वैल्यू है वो 40, और दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन हुआ, और इसके अंदर हमने मैसेज के साथ साथ किसी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है वो बता दिया। इसमें आपको याद क्या रखना है, एक बात याद रखनी है इसमें आपको कि जो परसेंट डी है, ये जो परसेंट डी है वो किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल की ही वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ओके।